बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस पेड करे? क्या आपने अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस का मालूमात ली? नहीं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फातिमा ड्रीम सिटी के फेज़ 4B ब्लॉक 7 और ब्लॉक 4 के डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से। बगैर बगैर अगर वीडियो को करेंगे स्टार्ट और मिलते हैं आप छोटे से इंट्रो के बाद। तो वेलकम बैक गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिल्डर ऑफिस ने या बाबू भाई ने जो है अपनी गुज़िश्ता 3 या 4 हफ्ते पहले जो है एक मीटिंग के अंदर फेज 4B का जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस का ऐलान किया था। उसके अलावा ब्लॉक 7 और ब्लॉक 4 के हवाले से भी ऐलान किया गया था और उसके लिए एक उन्होंने डेट जो है मुकर्रर करी थी, जो कि थी 28 फरवरी, यानी कि एक महीने का जो ऑलमोस्ट टाइम है वो आप लोगों को दिया गया था ताकि आप लोग अपने जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसके ऊपर डिस्काउंट हासिल कर सकें। वो जो डेट है वो ख़त्म होने वाली है और कल उसका आखिरी दिन है। मैं अगर बात करूं उसके हवाले से कि कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है, तो फेज़ 4B की अगर हम बात करें तो फेज़ 4B की जो एक्चुअल जो डेवलपमेंट चार्जेज है वो तकरीबन 7 लाख रुपए थे, 7 लाख रुपीज़ से, जो कि इंस्टॉलमेंट में आप लोग पेड कर सकते थे अगर कोई शख्स उसको क्या कहते हैं लमसम पे करना चाहे तो वो अप्रोक्स 3.5 लाख रुपये, यानी कि 50% आपको डिस्काउंट रेट पे मिल जाता। एंड अगर मैं बात करूँ ब्लॉक सेवन एंड ब्लॉक 4 के हवाले से, तो ब्लॉक 7 और ब्लॉक 4 के लिए 7 लाख रुपये अनाउंस किए गए थे डेवलपमेंट चार्जेस। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये डेवलपमेंट चार्जेस की बात हो रही है, इसके बाद जो है यूटिलिटी चार्जेस भी होते हैं इन सब चीज़ों में। डेवलपमेंट चार्जेस जो थे वो बिल्डर ने 7 लाख रुपए मांगे थे और एज वेल के उसको एक महीने के लिए जो डिस्काउंट रेट पे आप लोगों को दिया जा रहा था, जो कि था तकरीबन 3.5 लाख रुपए। और दिस इज़ क्वाइट गुड के बहुत सारे लोगों ने इस ऑफर को अवेल किया। मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि जो लोग अभी भी किसी सोच में हैं या किसी उसमें हैं कि इस ऑफ़र को एक्सटेंड किया जाएगा, तो मैं लोगों को बता दूं कि आज मेरी बिल्डर ऑफिस में बात हुई है और इसको एक्सटेंशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो है ये अब ऑफ़र जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही ये ऑफ़र ख़त्म होगी वैसे ही जो है क्या कहते हैं इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं अगर बात करूँ फेज़ 4B के हवाले से, बाबू भाई ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, उसमें से मैं कुछ गिने चुने पॉइंट्स ही ले लेता हूँ कि बाबू भाई ने कहा है कि फिर 4B को जो है इंशाल्लाह 2024 तक रेडी करके आप लोगों को पोजीशन के हवाले किया जाएगा। ये उन लोगों के लिए बात हो रही है जो लोगों की बैलेटिंग हो चुकी है, यानी जिन लोगों की प्लॉट के ऊपर नंबर आ चुके हैं, और प्लॉट नंबर वाला जो प्रोसीजर है वो लोग प्लॉट नंबर के प्रोसीजर से होकर आ चुके हैं। एंड अगर मैं बात करूँ उसके हवाले से ब्लॉक 7 और ब्लॉक 4 के हवाले से, तो उसका भी प्रोसीजर सेम है, बट उनका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट था क्योंकि उनके ऊपर प्लॉट नंबर ऑलरेडी अवेलेबल थे। और उसके अलावा मैं बताऊं, बाबू भाई ने लास्ट मीटिंग में अपने VIP और VIP 2 के हवाले से भी कुछ लबकुशाई करी है। दिस इज़ क्वाइट गुड और बहुत ही खुशाइन बात है कि फातिमा के हवाले से पे दर पे इवेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और जितने रूमर्स थे जो कि फातिमा ड्रीम सिटी के हवाले से थे, उनकी कलाई जो है वो खुलती जा रही है, क्योंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि फातिमा ड्रीम सिटी में जो बिल्डर हैं वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। और बिल्डर जो हैं वो एक्टिव होने के साथ साथ जो है सोशल मीडिया पे, यानी कि लोगों के रूबरू ज़्यादा पेश हो रहे हैं और लोगों के साथ जो है इंट्रैक्शन उनका ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से भी बाबू भाई की जो ओवरऑल पजीराई है, जो बाबू भाई की यूँ समझ लें कि बाबू भाई की जो इम्पोर्टेंस है वो फातिमा ड्रीम सिटी में बढ़ती गई है। और बिल्डर ऑफिस की मैं अगर डेवलपमेंट चार्जेस की बात करूं, तो डेवलपमेंट चार्जेस है वो कल का दिन उसका आखिरी दिन है, उसके बाद जो है इसके जो टोटल चार्जेस हैं वो 7 लाख रुपए हो जाएंगे। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा जिनके पास इस वक्त लमसम अमाउंट पड़ा है, वो लोग कम अज़ कम अपना तकरीबन 50% जो सरमाया है वो बचाएँ। और अगर दूसरी चीज़ ये कि कोई शख्स के पास अभी नहीं है, तो वो कम से कम बिल्डर ऑफिस में जाके थोड़ा बहुत पेमेंट कैश करके उसको रोक सकता है, अवेल कर सकता है, उस फिगर को रोक सकता है,
तो हरी अप गाइस, आप लोग जल्द से जल्द जो है अपने डेवलपमेंट चार्जेस को फिल आउट करें, और ताकि क्या कहते हैं, आप लोगों का जो कीमती सरमाया है, जो आप लोगों का असासा है, वो महफूज हो सके, उसकी ग्रोथ हो। PS4B के ऊपर जब डेवलपमेंट होगी तो डेफिनेटली उसकी जो है ओवरऑल ग्रोथ होगी, वरना जो जितनी कीमत में बिल्डर ने बाबू ने बेचा है वही कीमत रहेगी डेफिनेटली। लेकिन अगर आप लोग उसको डेवलपमेंट करवाएंगे, उसमें आबादी होगी, तो उसकी कीमत भी Phase 1 के मुकाबले आ जाएगी इंशाल्लाह, और आप लोगों के ही सरमाया जो है वो डबल होगा। तो मेरा तो यही मशवरा है आप लोगों के कि आप लोग जल्द अज जल्द जो है डेवलपमेंट चार्जेस पेड करें। आज करते हैं करें, नहीं करते हैं तो अगले 1 माह 2 माह 3 माह के अंदर अपने डेवलपमेंट चार्जेस को पेड करें, और जो क्या कहते हैं तरक्की है उसकी राह में जो है एक अपना अहम हिस्सा डालें। आपका आप लोगों के साथ ही, देखें बिल्डर की तरक्की आप लोगों के साथ ही है। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, मेरी छोटी छोटी बातें हैं बर्दाश्त करते हैं, आप लोग बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को Phase 4B, Block 7, Block 4 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है, और मैं लोअर थर्ड में भी लगा दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ, अल्लाह हाफिज़।